चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। जिला मुख्यालय सहारनपुर से 40 किलोमीटर सुदूर दक्षिण पश्चिम में बसा सहारनपुर जिले में जनसंख्या की दृष्टि से सहारनपुर एवं देवबंद के बाद तीसरा सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र, वर्तमान में लगभग 70,000 की विशालकाय आबादी को खुद में समेटे हुए गंगोह। कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार इस शहर को राजा गंग ने बसाया, जिनके नाम पर इस शहर का नाम गंगोह पड़ा। सहारनपुर अथवा अम्बेडा की ओर से गंगोह में प्रवेश करने पर बाईपास तरह स्थित विद्यार्थी चौक से शहर की ओर बढ़ने वाली मुख्य सड़क पर कुछ दूरी तय करते ही गंगोह का मुख्य चौराहा बस स्टैंड चौक नजर आता है। इस चौराहे के निकट गंगोह कोतवाली का विशालकाय परिसर, रोडवेज बस डिपो एवं जामिया अशरफुल उलूम स्थापित हैं। यहां से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क लखनौती होकर करनाल से जोड़ती है, जबकि उत्तर की ओर एक मुख्य सड़क नकुड़ की ओर प्रस्थान करती है। यह चौराहा गंगोह के सबसे व्यस्त चौराहों में शुमार होता है। दक्षिण की ओर गंगोह शहर के मुख्य भागों की ओर मेन रोड के द्वारा प्रवेश किया जाता है। शहर की ओर प्रवेश करते हुए मुख्य मार्ग पर बाजार विकसित हो चुका है। कुछ दूरी तय करते ही मेटाडोर स्टैंड के रूप में एक और मुख्य चौराहा नजर आता है, जहां से कुछ ही दूरी पर उत्तर की ओर चौधरी सिनेप्लेक्स स्थापित है। गंगोह शहर में पूर्व समय में 3 सिनेमाघर थे, जिनमें सिर्फ चौधरी सिनेमाघर ही चालू हालत में है। मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए गंगोह का प्रमुख बाजार प्रारंभ हो जाता है। गंगोह प्रशासनिक रूप से नकुड़ तहसील क्षेत्र में सम्मिलित होता है। जिले में तीसरा सबसे बड़ा शहर होने पर भी तहसील ना होना मुझे बेहद अजीब लगा। गंगोह नकुड़ तहसील क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर है। मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नूरी मस्जिद चौक के निकट एक मुख्य बाजार पुरानी घास मंडी के रूप में प्रारंभ होता है, जो आगे चलकर पीठ बाजार के रूप में प्रवेश करता है। पीठ बाजार गंगोह में सबसे पुराने बाजारों में एक है। इसी के निकट सर्राफा बाजार एवं जवाहरगंज बाजार बसाए गए हैं। नूरी मस्जिद से मुख्य मार्ग पर अनेकों बड़े बड़े प्रतिष्ठान दोनों ओर दूर दूर तक कतारबद्ध नजर आते हैं। गंगोह में आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। मुख्य मार्ग पर एक और मुख्य चौराहा सब्जी मंडी चौक से आगे बढ़ते हुए गंगोह का एक और मुख्य चौराहा शिव चौक नजर आता है। यह गंगोह का व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चौराहा है। शिव चौक से पश्चिम की ओर पीठ बाजार एवं दक्षिण की ओर आढ़त बाजार में प्रवेश किया जाता है। शिव चौक से पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क ककराली रोड के रूप में पहचानी जाती है। इस मार्ग पर तेजी से व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हुई हैं। यहां अनेकों राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित हैं। गंगोह शहर में इस मार्ग पर सर्वाधिक तेजी से विकास हुआ है। इस मुख्य मार्ग पर शामली बस स्टैंड इत्यादि होकर गंगोह के अधिव्यस्त चौराहे ननौता अड्डा चौराहा से साक्षात्कार होता है। यह चौराहा गंगोह का सबसे व्यस्त चौराहा है। यहां से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क जलालाबाद होकर शामली मुजफ्फरनगर की ओर एवं पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क नई मंडी होकर ननौता देवबंद की ओर प्रस्थान कर जाती है। शिव चौक से प्रारंभ होने वाला आढ़त बाजार आगे चलकर दूधला रोड के रूप में मरकज मस्जिद चौराहा होकर शामली जनपद के चौसाना की ओर प्रस्थान कर जाता है। सब्जी मंडी चौक से प्रारंभ होने वाली एक मुख्य सड़क कॉलेज रोड के रूप में पदम सिनेमा होकर बाईपास के निकट स्थापित गंगोह की शान हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से जोड़ता है। इस विद्यालय का निर्माण सन 1924 में किया गया था। विद्यालय का परिसर बेहद साफ, स्वच्छ, सुंदर एवं प्राकृतिक हरियाली से भरपूर है। गंगोह में रामबाग मार्ग पर नगर का भव्य मंदिर हनुमान धाम स्थापित है। गंगोह में बाईपास मार्ग के निकट ही पूरनमल रामलाल डिग्री कॉलेज स्थापित है। गंगोह आकर गंगोह को कैमरे में कैद करने का अनुभव बेहद शानदार रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। गंगोह शहर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो गंगोह एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं आपका मित्र ध्रुव वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।